तैयारियां जो नॉर्मली एक महीने के लिए होती है इस बार 2 महीने के लिए रहेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। भागलपुर के सुल्तानगंज में लगने वाली श्रावणी मेले को लेकर आज मालदा डिवीजन के DRM विकास चौबे रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहीं कांवरियों के सुविधाओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ बातचीत की और दिशा निर्देश दिए। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ कहा है विकास चौबे ने। श्रावणी मेला को लेकर के निरीक्षण भी चल रहा है, कामकाज भी चल रहा है, तो जो सुविधाएं यहाँ पे इस परिसर पे हर बार जो प्रदान की जाती है वो सभी सुविधाओं के लिए उनका रखरखाव चल रहा है। हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे देने की ज़रूरत है, जो टॉयलेट्स, फायर ब्रिगेड, जितनी भी तरह की सुविधाएं होती हैं उनके लिए हम लोगों ने समीक्षा भी करी है और स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी संपर्क स्थापित किया है। हम लोगों ने एडिशनल RPF फोर्स, टिकट चेकिंग स्टाफ, इसका भी प्रबंध किया है। ईस्टर्न रेलवे मुख्यालय से हम लोग टच में हैं और वो भी एडिशनल स्टाफ प्रोवाइड करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि 360 डिग्री सभी पहलुओं पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा कोऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिल रहा है। जो जो बिंदु हम लोगों ने रेज किए थे उस पर भी विचार हो रहा है। इनफैक्ट सैटरडे को, अगले शनिवार को ADRM महोदय जो डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर हैं और जो सीनियर DCM का कार्यभार देख रहे हैं उनके साथ दोबारा यहाँ पे आएंगे और स्टेट गवर्नमेंट के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे समन्वय बैठाना है, कंट्रोल रूम कैसे रहना है, यहाँ पे कौन कौन स्टेट के अधिकारी लोग रहेंगे, रेलवे के अधिकारी जो मेला क्षेत्र में रहेंगे, ताकि बहुत अच्छा तालमेल रहे, ये स्थापित किया जाएगा। और हम लोग बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। इस क्षेत्र को मैं ये देख रहा था, अभी चर्चा ये भी हो रही थी कि इस क्षेत्र में जो सर्कुलेटिंग एरिया है इसमें बहुत अधिक सर्कुलेशन होने की आवश्यकता है, यहाँ पे होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं इस बार से या जितनी जल्दी ये हो सके कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे रुका ना रहे, सर्कुलेट होता रहे, चलता रहे आगे जगह। तो और अगर डिस्ट्रिक्ट में अगर कहीं पर स्कोप है तो उसके ऊपर कोशिश की जाएगी, बातचीत की जाएगी कि उनको कहीं और होल्ड कर लिया जाए। सभी लोग अगर यहाँ रहेंगे तो जो उतरने वाले यात्री हैं उनके आने जाने चलने में दिक्कत आएगी। तो सभी पहली बार ऐसा हुआ है कि सात्विक भोजन जो 2 महाश्रावण है वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा भागलपुर सुल्तानगंज में। ये मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, लेकिन अगर जिस चीज़ की डिमांड होगी ये सब स्वतंत्र संस्थाएं हैं जो कि इसको प्रोवाइड करेंगी, IRCTC की। तो अगर इस चीज़ की डिमांड होगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो चीज़ भी प्रोवाइड करेंगे हम लोग। सर, इस बार 2 महीने का सावन है तो क्या तैयारियां की गई, 2 महीने के लिए क्या व्यवस्था की गई? तो आपने देखा कि मालदा डिवीजन के DRM विकास चौबे आज भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहीं उन्होंने कांवरियों के सुविधाओं को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहीं कांवरियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए रेलवे पुलिस हर समय स्टेशन पर तैनात रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को भी सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।